नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अजीतमल तहसील क्षेत्र अंतर्गत जनता महाविद्यालय अजीतमल में दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का प्रथम दिन खो खो में बालिकाओं ने प्रतिभा की, जबकि द्वितीय दिन बालक वर्ग खो खो में प्रतिभा करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील दुबे अध्यक्ष प्रबंध समिति जनता महाविद्यालय अजीतमल के द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रकाश यादव ने किया। इस कार्यक्रम के मंचासीन डॉक्टर सुनील दुबे, अध्यक्ष प्रबंध समिति डॉक्टर उत्तम दुबे, मंत्री प्रबंध समिति जनता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, उप प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर योगेश बाबू दीक्षित, डॉक्टर देवेंद्र कुमार खोकर व्यवस्थापक हैं। कार्यक्रम में सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन पंडित आनंद स्वरूप दुबे के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में उद्घाटन मैच भी मुख्य अतिथि में खिलाड़ियों के साथ परिचय किया और मैच को प्रारंभ कराया। महिला महाविद्यालय कानपुर और काइस चर्च महाविद्यालय कानपुर के बीच कोर्ट ए में खोला गया। महिला महाविद्यालय कानपुर में टॉस जीतकर रनिंग का फैसला किया और काइस चर्च महाविद्यालय को चेंजिंग करनी पड़ी। इस मैच में महिला महाविद्यालय कानपुर विजेता रही। इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल पीपीएन महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय कानपुर के बीच रहा, जिसमें महिला महाविद्यालय विजेता रही। इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल शुगर सिंह महाविद्यालय जसवंत नगर और छत्रपति साहूजी महाविद्यालय कानपुर के बीच रहा, जिसमें छत्रपति साहूजी महाविद्यालय विजेता रही। फाइनल मुकाबला महिला महाविद्यालय कानपुर और छत्रपति साहूजी महाविद्यालय कानपुर के बीच रहा, जिसमें छत्रपति साहूजी महाविद्यालय इस प्रतियोगिता का चैंपियन रहा, जबकि महिला महाविद्यालय कानपुर उप विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि के द्वारा वितरित किए गए। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका होशियार सिंह राजपूत, इंद्रपाल गुर्जर, उपेंद्र पाल, मनीष मिश्रा, विवेक दुबे, हरिओम भदौरिया, जबकि एस्कोरर की भूमिका भानु दुबे के पास है और जनता महाविद्यालय की टीम के कोच सतपाल गुर्जर हैं। कल होने वाली बालक वर्ग की प्रतियोगिता में तकरीबन एक दर्जन से अधिक विद्यालयों की टीम पहुंचने की संभावना है। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थी, विद्यालय का स्टाफ, खिलाड़ी और दर्शक मौजूद रहे। बच्चों थोड़ा तालियां बजाते रहो, उत्साह वर्धन करते रहो। चल रहा है तो मैं क्रीड़ा प्रभारी संबोधित करूंगा। खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार टोकर मंच पे आप उपस्थित करें। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार टोकर, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।